हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. दिस इज़ योर सॉल्यूशन वीडियो, स्टैंडर्ड फोर्थ, चैप्टर फिफ्थ, अनीता एंड द हनी बीज. ये आपका सॉल्यूशन वीडियो है. जो आपकी बुक्स की एक्सरसाइज थी वो यहाँ पर दी हुई है वन बाय वन. तभी हम वन से देखेंगे. मैं बोलूँगी, आपको बस ध्यान से सुनना है. उसके बाद इसके साथ पीडीएफ भी रहेगी, सॉल्यूशन पीडीएफ, तो उसको आपको देखकर अपनी नोटबुक में लिखनी है आज की डेट डालकर. ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन वन ईयर फॉर डिफरेंट स्कूल रिलेटेड थिंग्स. तो आपको हिसाब लगाना है कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में आपका कितना खर्च होता है. ओके, तो फर्स्ट है आपका फीस. तो आपका फिक्स लगता है 650. ओके, 650. सेकेंड है ट्रेवल टू स्कूल एंड बैग, तो 500 रुपीज़ लगती है आपको. आपके नोटबुक्स में कितनी खर्च लगती है? 900. फिर पेन और पेंसिल्स में 150. ओके, फिर है यूनिफॉर्म्स में 600, स्कूल बैग में 250, लंच बॉक्स में 50 रुपीज, आपके शूज में 350, और टोटल कितना फिर होता है? 3450. तो ये आपका टोटल वन ईयर्स का था. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर. तुमने इस साल कितने रुपयों की स्कूल की किताबें खरीदी है? आंसर इज 500. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू. What kinds of a school uniform would like to wear? Draw a picture in our notebook. तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसे चाहते हो उसका पिक्चर आपको अपनी नोटबुक में बनाकर कलर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो. तो आपको यहाँ पे अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए आपको आपको दो चिल्ड्रंस के साथ बात करना है कि स्कूल में कैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस बात पे आपको डिबेट करनी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8. डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर अनेबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव यू सीन एनी इंसेक्ट गोइंग नियर फ्लावर्स? आंसर है यस, बटरफ्लाई और हनी बीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ देयर पिक्चर इन द नोटबुक. ये जो यहाँ पर पिक्चर है आपको उसको क्या करना है? अपने नोटबुक में ड्रॉ करनी है. ड्रॉ करने के बाद आपको फिर कलर करनी है. ओके, नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक दे केम टू कम टू फ्लावर्स? फाइंड आउट. दे कम टू द फ्लावर टू कलेक्ट इट. क्वेश्चन नंबर टू है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए हनी बी, कलर इट, गिव इट ए नेम. आपको ये जो पिक्चर दी हुई है इसकी भी आपको आपको अपने नोटबुक में बनाकर कलर करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता एंड अदर्स इन हर विलेज गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी. हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन? इसका मतलब हुआ, अनीता और गांव वाले को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं, तो तुम्हारे यहाँ 1 kg शहद के कितने रुपीज मिलते हैं? ओके, तो इसका आंसर है 170.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी हैव यू सीन? आंसर है गोल्डन ब्राउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हनी यूज्ड इन योर हाउस? फॉर व्हाट इज इट यूज्ड? आंसर इज वी टेक 1 स्पून ऑफ हनी एवरी मॉर्निंग, इट कीप्स अस हेल्दी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू नो ऑफ एनी इंसेक्ट ऑफ एनिमल्स दैट आर कीप्ड एज पेट बाय ह्यूमन बींग्स? गिव देयर नेम. आंसर इज डॉग एंड कैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर सम अदर इंसेक्ट दैट लिव टूगेदर इन ए ग्रुप लाइक हनी बीज? मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? तो एंट्स भी रहते हैं, आपने देखा होगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हैव यू सीन वेयर एंट्स लिव? तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है? तो दे लिव इनसाइड सोयल. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड्स ऑफ ईटेबल्स ब्रिंग एंट्स और टू देम? लिस्ट देम. तुम्हें क्या लगता है किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती हैं? उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द लाइन ऑफ एंट्स, व्हाट इज इट्स कलर? आंसर इज ब्लैक रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू बीन बीटन बाय एन एंट? व्हाट वाज द एंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल? आंसर इज यस, स्मॉल रेड वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक केयरफुली एंड सब बिग एंड स्मॉल एंड, हाउ मेनी लेग्स डज एंट हैव? तो क्या होगा आंसर? बिग एंड 6 स्मॉल 6. ओके, तो आपकी यहाँ पे सोल्यूशन वीडियो का एंड होता है. जो भी आपकी बुक्स की एक्सरसाइज थी वो प्री कंप्लीट हो चुकी है. सो आपको अब क्या करना है, बस अपने नोटबुक में इसकी PDF साथ में रहेगी, वो PDF देखकर आपको अपने नोटबुक में अच्छी राइटिंग डालकर लिखनी है. ओके, थैंक यू.